गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आज का जो ये सॉफ्ट स्किल्स है उसकी सेशन में वेलकम। और ये बताइए, आप में से कौन कौन जो है जॉब करना चाहते हैं, अपना जो जो जॉब करना चाहते हैं अपना जो भी ये चैट बॉक्स में यस करके लिखते जाइए। एक पोल है छोटा सा, कौन जॉब करना चाहते हैं। लोग फाइनल ईयर में है, कुछ लोग मैं देख रहा हूं कि फाइनल ईयर में है। जो जॉब करना चाहते हैं वो यस लिखिए, जो जॉब नहीं करना चाहते हैं, खुद की कोई बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो वो नो लिखिएगा। केवल दो रिस्पॉन्स आए हैं। सुप्रांजल ने लिखा है गवर्नमेंट जॉब। मानसी श्रीवास्तव लिखती हैं कि हाँ वो जॉब करना चाहती हैं। और जो जॉब करना चाहती हैं वो यस लिखिएगा। राघवेंद्र सिंह लिखता है यस। चैट बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आप अपने आंसर दे सकते हैं। आकांक्षा कुमारी भी लिखती हैं यस। प्रदीप कुछ पूछना है? प्रदीप कुछ पूछना है? बाय मिस्टेक नहीं सर वो बाय मिस्टेक हो गए। चलो ठीक है, तो ये सेशन उनके लिए है जो कभी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या दोज हु वांट टू डू एनी जॉब। इट कैन बी अ गवर्नमेंट जॉब, इट कैन बी अ प्राइवेट जॉब, इट कैन बी अ जॉब एट साइट, इट कैन बी अ जॉब एट एनी कंसल्टेंट, इट कैन बी अ जॉब एट एनी प्राइवेट MNC एज। सो इट कुड बी एनी वे, आप कहीं भी जॉब करना चाहती हैं, यदि जॉब के लिए एस्पिरेशन रखती हैं तो ये सेशन उनके लिए है। ये सेशन जो हमने डिजाइन किया है, मैं बता दूं आपको, मैंने पिछले 3 साल में 2017 से लेके अब तक तकरीबन 400 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू किए और उन चीजों में जो कॉमन चीजें मुझे लगी है, जो बताना जरूरी है, मैंने उन्हीं चीजों को पॉइंट आउट किया है। तो कोई ज्ञान नहीं है जो हमने इंटरव्यूज में पाया कि यहाँ पे ऐसे हो सकते थे, आप ऐसा कर सकते थे तो और अच्छा होता, उन्हीं चीजों को हमने इसमें इनकलकेट किया है, इस प्रेजेंटेशन में डाला है कि यदि आप ये अच्छा करें तो आपकी नौकरी मिलने की संभावना जो है वो ज्यादा बेटर हो जाएंगी, आपकी जॉब की जो इंटरव्यूज के जो सक्सेस रेट्स हैं वो ज्यादा बेटर हो जाएंगे। ये एक छोटा सा पार्ट है इंटरव्यू का पार्ट, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं प्राइवेट कंपनीज में, MNCs में या कहीं पे भी, या इवन गवर्नमेंट जॉब में जब आप पर्सनल इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो ये चीज वहां के लिए है। तो हमने केवल उन एस्पेक्ट्स को पकड़ा है, तो होपफुली इट विल कवर योर मोस्ट ऑफ द क्वेरीज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ व्हाइल अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू। राइट, वी मूव अहेड। रिज्यूम आपके राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, रिज्यूम आपके राइट हैंड साइड पे रिज्यूम दिख रहे होंगे। ये रिज्यूम है आपका, सबसे पहला काम होता है जब आप पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं अपना रिज्यूम कैरी करना। अब रिज्यूम हर कोई लेके आते हैं, याद है मुझे, कुछ ही लोग होते हैं जो रिज्यूम कैरी करके नहीं आते हैं। याद रखिएगा, रिज्यूम आप भले ही आपने सॉफ्ट कॉपी हमें भेजा हो, ईमेल आपने किया हो, बट यू नीड टू कैरी अ रिज्यूम ऑफ योर ओन, अपना रिज्यूम आप कैरी करके आए। अब रिज्यूम में हमने कुछ गलतियां पाई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कि आप रिज्यूम के लिए क्या चीजें ध्यान में रखेंगे, जो कॉमन मिस्टेक्स हमने देखा है, बाकी चीजें रिज्यूम में सही रहते हैं। एक,
रिज्यूम की जो प्रिंट क्वालिटी होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। याद रखिएगा, रिज्यूम जो है आपका रिफ्लेक्शन है। जो रिज्यूम हम देखते हैं उसमें हम आपके इमेज को देखते हैं, आपके अक्ष को देखते हैं। रिज्यूम की जो प्रिंट क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, पहला। रिज्यूम की पेपर क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए। हमने बहुत बार पाया है कि रिज्यूम में लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं। याद रखिएगा, कहीं पर भी मिस्टेक्स होगा तो सामने वाले की नज़र मिस्टेक्स पे जाएंगी, और जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स पे नज़र जाएंगी उतनी ज़्यादा इंप्रेशन नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हमने पाए हैं कि आपके स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स हैं, आपके क्वालिफिकेशन के स्पेलिंग में मिस्टेक्स हैं, आपके इवन एड्रेस में मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत सारे हैं। तीसरा एक जो है हमने फैक्टर पाया है, एग्जैजरेटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस। हम जो है ना किसी गूगल करके बहुत ही हाई फाई लैंग्वेज लिख देते हैं, टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस दैट, वेरी, ऐसा लैंग्वेज लिखते हैं वो बहुत ज्यादा। जितना आप हैं फ्रेशर हैं उस हिसाब से अपना रिज्यूम लिखिए, यदि आप एक्सपीरियंस्ड है तो उस हिसाब से लिखिए, जो आता है जिस चीज़ के काबिल हैं हम वही लिखें। इन अ डायनामिक वर्ल्ड, अब डायनामिक क्या है, यदि ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा तो दिक्कत है। कभी भी बहुत सारा देखो ऑर्नामेंटल वर्ड्स मत यूज करिए, डेकोरेटिव वर्ड्स यूज मत करिए, सिंपल रखिए रिज्यूम के वर्ड्स को। एग्जैजरेट मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखिए, किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के रिज्यूम में ना लिखें। हमने पाया है कि नॉर्मली रिज्यूम तो लोग लिख लेते हैं, लेकिन नीचे हम लिखते हैं कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव मेंशनड फैक्ट्स आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, लेकिन नीचे हम साइन नहीं करते हैं। डेट भी लिखा होता है, नाम भी लिखा होता है, लेकिन हम साइन नहीं करते हैं। सेल्फ अटेस्टेशन जरूरी है, इसका मतलब है वो दो चीज़ें दिखाता है, एक ये कि मैं उन चीज़ों को मानता हूँ या मानती हूँ, दूसरा जो भी चीज़ें लिखी है वो एक बार वो उसको देखा है जरूर उसने। कई बार वो होता है कि उसने रिज्यूम देखा ही नहीं है, उनके बड़े भैया ने बना दिया है, उनके दोस्त ने बना दिया है, उनके कॉलेज में प्लेसमेंट ऑफिसर ने बना दिया है, उन्होंने देखा ही नहीं है। तो सेल्फ अटेस्टेशन का मतलब होता है कि वो रिज्यूम के थ्रू, जब भी हम किसी पेपर पे साइन करते हैं तो नॉर्मली पेपर को पढ़ते हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि जब आपको नौकरी मिलेंगी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स आएगा तो आप पढ़ के उसको साइन करेंगे। तो यकीन मानिएगा कि सेल्फ अटेस्टेशन जरूरी है, कि हम ये मानते हैं कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है और फिर आपने साइन किया कि हाँ ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ आपको रिज्यूम पे ये मेरे जानकारी में है, ये मैं फुली अवेयर हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि हाँ ये बिल्कुल सही है। चौथा रेफरेंस, रेफरेंस मतलब कौन आपको जानते हैं। यदि आप फ्रेशर हैं हो सकता है आपके कॉलेज के HOD आपको बोले हाँ आकांक्षा कुमारी है या मानसी श्रीवास्तव है या राघवेंद्र है, जो भी हैं ये अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, ये टीम मेंबर्स रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो HODs आपको रेफरेंस देने के लिए तैयार हों। आपके माता पिता नहीं, आपके माता पिता बहुत बड़े ऑफिसर होंगे लेकिन माता पिता की रेफरेंस नहीं चाहिए होती है। नॉर्मली ये होता है कि हाँ उससे हमें ये पता चलता है कि स्कूल लाइफ, यदि आप फ्रेशर हैं स्कूल लाइफ में आपके जो बिहेवियर्स थे, आपके एकेडमिक एक्टिविटीज जो थी वो बेहतरीन थी, बेहतर थे, आपके टीचर्स आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो चाहते हैं कि इनका अच्छा हो। यदि आपने पहले जॉब किया कहीं पे तो वहाँ के एम्प्लॉय यदि आपके लिए, वहाँ के मैनेजर आपके लिए अच्छा लिख रहा है या बोलने को तैयार है कि हाँ मेरे साथ इन्होंने काम किया था और ये अच्छे काम करते हैं, दैट इज व्हाट रेफरेंस मीन्स। आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिखते हैं तो आपके रिज्यूम थोड़ा सा वजनदार बन जाता है वरना नहीं। कई बार लोग लिखते हैं रेफरेंस अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, यदि आप मतलब जो इंटरव्यू है वो मांगेंगे तो हम रेफरेंस देने को तैयार हैं। हमने पाया है जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आपके ईमेल आईडी, आपके फोन नंबर, आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, उनमें गलतियां पाई है। कई बार ऐसा हुआ है कुछ कैंडिडेट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, कुछ कैंडिडेट्स को हमने फाइनल किए हैं, जब हम उन पर कॉल कर रहे हैं तो कॉल मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, मोबाइल नंबर नॉट इन यूज आ रहा है, ईमेल आईडी पे हम भेज रहे हैं ईमेल आईडी बाउंस हो रहे हैं। ये सब बहुत छोटे मिस्टेक्स हैं, याद रखिएगा छोटे मिस्टेक्स हैं लेकिन बहुत भारी इसके अफेक्ट्स हैं। यदि आपके मोबाइल, हम समझे कोई भी ये समझेगा कि ये सीरियस नहीं है, आपने अपने मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किए हैं, आपने अपने ईमेल एड्रेस अपडेट नहीं किए हैं, आपने अपने करिस्पॉन्डिंग एड्रेस अपडेट नहीं किए हैं, तो वो नेगेटिव इम्प्रेशन देगा।
रिज्यूम में ध्यान रखिएगा, आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, पेपर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पेपर की क्वालिटी इटसेल्फ अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप रिज्यूम में वर्ड्स लिखें, सेंटेंस लिखें, सिंपल लिखें, कोई एग्जाजरेशन नहीं। रिज्यूम के नीचे अपना साइन जरूर करें, रेफरेंस हो तो रेफरेंस का नाम जरूर डालें, रेफरेंस कौन है, किस पोजीशन पे, कैसे आप जानते हो। आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उनको अपडेट करके रखें। ये चीजें आप करेंगे तो आपका रिज्यूम अच्छा दिखेगा। आई थिंक आई एम क्लियर, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, जब भी मैंने इंटरव्यू किया है, मैं नॉर्मली देखता हूं कि मैंने जब भी इंटरव्यूज किए हैं, मैंने देखा है कि 80% जो कैंडिडेट्स हैं, 90% कैंडिडेट जो है वो टाइम पे रहते हैं, पंक्चुअल रहते हैं। याद रखिएगा, जो आपका इंटरव्यू करने बैठा है वो आपके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। जब आपको नौकरी चाहिए, जब आपको जॉब चाहिए, तो यू शुड बी ऑन टाइम। इसे ये दिखाता है कि यदि आपको जॉब चाहिए तब यदि आप पंक्चुअल नहीं है तो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में कितना पंक्चुअल है। एक आध इंस्टेंस हो सकता है जब आपके पास बहुत ज्यादा सीवियर केस हो जाए, जब आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए, ऐसे केसेस में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, आप फोन करके बता दीजिए, सर मैं इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मेरी ट्रेन डिलेड हो गई है या कहीं पे कुछ और हो गया है, इस वजह से मैं थोड़ा डिले हूँ, वरना सर मैं टाइम पे आ जाऊँ या इस टाइम तक मैं आ जाऊँगा। तो पंक्चुअलिटी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है, पंक्चुअलिटी आप मेंटेन करिए। इन केस 1% इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट पंक्चुअलिटी, डू इन्फॉर्म द कंसर्न वेल इन एडवांस। आपके इंटरव्यू 11 बजे से है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम पे, मेरी ट्रेन ऑलरेडी 4 घंटे डिले है और मैं पहुंच पाऊंगा 12 बजे, आप फोन करके बोलिए सर मेरी ट्रेन 4 घंटे लेट है, मैं आपके पास 1 बजे तक पहुंच पाऊंगा, ये वजह है। तो उससे बहुत हद तक काम आसान होगा, आपके जो इंटरव्यू ही है वो आपके इंतजार में कुछ और अपना काम कुछ और जगह पे करना शुरू कर देंगे। यदि वो अवेलेबल नहीं है तो बोलेंगे कि सॉरी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम हम इंटरव्यू शेड्यूल। पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, और वक्त पे पहुंचने का, क्योंकि इंटरव्यूज हैं, वक्त से 15 मिनट पहले कम से कम पहुंचिए। यदि आपकी 10 बजे से इंटरव्यू है, एंश्योर कि आप 9:30 बजे 9:45 बजे आप इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंच जाए। उसका वजह है कि आपको उस एनवायरमेंट में हैबिचुअल होने के लिए, थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होने के लिए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आने के लिए 15 से 20 मिनट टाइम लगता है, हमारे मेंटेलिटी को, हमारी बॉडी को। तो कोशिश करिएगा कि जब भी इंटरव्यू का टाइम हो उससे 1/2 घंटा पहले तक हम पहुंचे। उन जगह पे पहुंचेंगे, आप रिसेप्शन एरिया में रुके हुए हैं, आप कॉन्फ्रेंस रूम में रुके हैं, तो आप थोड़ा सा उस एरिया से वाकिफ हो जाते हैं, क्योंकि नया जगह होता है, अलग माहौल होता है, तो आपकी मानसिक तौर पर आप कहीं पर भी अपने आप को स्थिर बना पाते। अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और यकीन मानिएगा जब आपको कोई भी, आप किसी को भी पहली बार देखते हैं तो एक इंप्रेशन बनता है आपके दिमाग में। आपने किसी को भी देखा होगा पहले, आपने पहली बार, सपोज करिए आप किसी दोस्त के लिए आप इंतजार कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद, और पहली बार जैसे दिखाई देता है तो आपके दिमाग में हमेशा वही छवि बनती रहती है। उसके लिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, अपने अपीयरेंस को बहुत ज्यादा सोच समझ के जाए, सोच समझ के मतलब उस पर ज्यादा रख रखाव करके जाए, प्रॉपरली प्लान करके जाए अपने अपीयरेंस को। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पहन के चला जाऊंगा, नहीं, एक दिन पहले प्लान करें, 2 दिन पहले प्लान करें मुझे क्या पहनना है। अब उसमें से कुछ डॉन्ट्स हैं कि ये नहीं करनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा चीजें करनी चाहिए। अब आप देखिए, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, एक अटायर का एक तरीका है। ऑफकोर्स ये अटायर बुरा नहीं है, लेकिन ये अटायर इंटरव्यू के लिए नहीं है, ये कपड़े बुरे नहीं हैं, ये फैशन में हैं, ये चलते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, ये इंटरव्यू के लिए नहीं है। इन कपड़ों को पहन के आप पार्टी में जा सकते हैं, शादियों में जा सकते हैं, फेयरवेल में जा सकते हैं, वेलकम पार्टीज में जा सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पहनते हैं, बड़े बड़े लोग पहनते हैं,
हम भी इनफॉर्मल पार्टीज में पहन के जाते हैं, ऐसा नहीं कि ऑफिसर्स नहीं जाते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो यदि आप लड़की हैं तो आप प्रॉपर जो अटायर है वो मेंटेन करिए, जो लड़के हैं वो अपना प्रॉपरली मेंटेन करिए। जीन्स नॉट अलाउड, जीन्स में भी ये फटे वाले जो न्यू जमाने हैं नॉट अलाउड, मिनी स्कर्ट्स नॉट अलाउड, डार्क कलर्स नॉट अलाउड, ब्राइट कलर्स नॉट अलाउड, नॉर्मल सोबर कलर्स चाहिए, सोबर ड्रेस चाहिए। लड़कियां सलवार सूट पहन सकती हैं, या फिर आप पैंट शर्ट पहनती हैं तो पैंट शर्ट्स पहन सकती हैं, या फिर आप प्रॉपर वे में जो अलग ड्रेस है वो आप पहन सकती हैं। कबीर सिंह नहीं चाहिए होता इंटरव्यूज में, ना ही आपको लेडी गागा चाहिए होती। जब भी आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं अपने बाल को वेल ट्रिम करिए, दाढ़ी बना के रखे हैं तो दाढ़ी भी इस तरह से सैबी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो लुक है, आपकी जो अपीयरेंस है, सैबी नहीं दिखना चाहिए, राउडी नहीं दिखना चाहिए, वो सोबर दिखना चाहिए। दाढ़ी बढ़ाना है बढ़ा के रखिए, लेकिन उसको ट्रिम करके रखिए, प्रेजेंटेबल रखिए। बाल आपको फैशनेबल रखना है लेकिन आप तरीके से रखिए। सेम केस विद लेडीज, आप ब्लीच करके बहुत ही वाइब्रेंट कलर के बाल करा के या अलग फैशन बना के एटलीस्ट इंटरव्यू में मत जाइए। इससे नेगेटिविटी ये आती है कि जो इंटरव्यू करने वाला है उनका ध्यान आपके ब्राइट कलर्स के ड्रेस, आपके दाढ़ी, आपके ये सब जो अलग चीजें उन पे जाती है, ना कि आप पे। तो इन चीजों को यदि आप अवॉइड करते हैं तो आपके जो इंटरव्यू है वो नॉर्मल प्रोसेस में चलेगा। यदि आप इन चीजों को ब्राइट कलर्स पहनी है, यदि आपने ब्राइट प्रिंट्स पहने हैं, सैवी लुक रखे हैं, तो हमारा ध्यान यानी इंटरव्यू करने वालों का ध्यान बारंबार उन डिस्ट्रैक्शंस पे जाते हैं, वो हमारे ध्यान को वहां से हटाता है, आपसे हटा के ध्यान आपके ड्रेस पे, आपके अटायर पे, आपके पहनावे पे, आपके लुक्स पे हमारी ध्यान को भटकाता है। याद रखिएगा इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शूज का। जूते कभी भी आप इस तरह से जो है गम बूट्स और ये हाई हील सब ना पहने, प्लीज ध्यान रखिएगा। और वैसे ही स्पोर्ट्स शूज मत पहनिएगा। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, फ्रेशर्स को, मैं बोल रहा हूँ पिछले 400 में से तकरीबन मैंने 300 फ्रेशर्स को इंटरव्यू किए होंगे हमने, और ये स्पोर्ट्स शूज और ये सब चीजें बिल्कुल नो नो नो। तो याद रखिएगा फॉर्मल शूज आता है, लेदर शूज आते हैं, वो पहनिए, ज्यादा बेटर है। ये हाई हील्स या बिल्कुल वाइब्रेंट कलर टाइप के शूज ना पहने, सिंपल सोबर फ्लैट पहने अच्छा रहेगा। अपीयरेंस पे ही हम आते हैं कि हम अपीयरेंस में यहाँ पे है डूज एंड डोंट्स। कई बार लोग क्या करते, लड़के आते हैं कानों में जो है बाली पहन के आते हैं, पहन के आ सकते हैं लेकिन अलग नहीं दिखना चाहिए। आज की तारीख में तो बाली फिर भी उतना ज्यादा आउट ऑफ फैशन नहीं है। जरूरी नहीं कि आप सूट में आए, आप फॉर्मल में पैंट्स शर्ट्स पहन के आए चलेगा, लेकिन जैसे आप देखेंगे इसमें फेशियल ट्रिम करना होना चाहिए। कभी भी आप पैटर्न्स, इन्होंने स्वेटर पहना है लेकिन स्वेटर की पैटर्न जो है प्रॉपर होना चाहिए। आप फॉर्मल पहन के आइए, फॉर्मल शूज यानी लेदर शूज, पैंट्स, शर्ट्स, शर्ट्स साफ सुथरी होनी चाहिए, प्लेन कलर्स होनी चाहिए, अच्छे से आयरन किए हुए होने चाहिए, बस। बहुत ज्यादा आपको वर्क करना नहीं है। लेडीज के लिए अब देखिए, इन्होंने सलवार सूट नहीं पहना है, इन्होंने बाकी चीज नहीं पहनी, बट चीज इन फॉर्मल। लेफ्ट में जो आप लेडीज को देख रहे हैं तो फॉर्मल पे पहनी है, इन्होंने अपने बाल को भी सही सलीके से रख रखा है, इन्होंने जो अपने सूट पहन रखे हैं ब्लेजर्स वो भी सही है, नी लेंथ के स्कर्ट पहन रखी है ऑफ कोर्स ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड में आप देखिए वो कैपरी पहन के आई हुई है, नॉट डिजायरेबल। आप इस तरह से जो ब्राइट येलो पहन के आई हैं नहीं चलेगा। आपने ऊपर से जो है नेकलेस पहना हुआ है ऊपर दिखाने के लिए, यकीन मानिए इंटरव्यूज में ये सब चीजें हमारी ध्यान को अलग तरह से उन चीजों पर आकर्षित करती है जो कि नॉर्मल नहीं होता। मैं क्लियर हूं, आगे बढ़ू। चलिए, आप में से किसी ने बोला नहीं तो मैं। अब yes, हम आते हैं, ये तो आपका पहनावा हो गया, टाइम पे पहुंचने का हो गया, क्या पहने क्या नहीं पहने, दाढ़ी कैसे रखें। मैंने एक चीज इसमें बताना भूल गया हूं मैं, कि कभी भी जब भी
लेडीज के लिए बहुत ज्यादा मेकअप, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स, ब्राइट मेकअप, डार्क लिपस्टिक्स, ये सब चीज अवॉइड करें, सिंपल रखें अपने आप को, सोबर रखें। अब इंटरव्यू पैनल, आप यहां से तो आ गए, आप रिसेप्शन एरिया तक आकर के आपने ये सारी चीज मेंटेन कर लिया, अब आपको फेस करना है इंटरव्यूअर्स को, जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको फेस करना है आपको। आप इंटरव्यू देने आए हैं और वहां पे एक पैनल बैठा हुआ जो आपका इंटरव्यू करने वाले हैं। अब जब आपसे उनकी मुलाकात होगी तब आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस बातों पे मास बात। तो आप देखिए इसमें आपको कुछ दिख रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये सही कर रहा है गलत कर रहा है, ये बताइए मुझे। बात करेंगे तभी समझ में आएगा। बताइए, कोई तो बताइए। गलत है। आई थिंक गलत है। गलत है सर, इनके बैठने के तरीका। ग्रेट ग्रेट सुप्रांजल ना? यस सर। ग्रेट, उनके बैठने की स्टाइल देखिए आप किस तरह से बैठा है, वो बिल्कुल ही डिजायरेबल नहीं है, आपको तरीके से बैठना आना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी हम इंटरव्यू पैनल के सामने बैठे हम तरीके से बैठे। ये बताइए ये क्या कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है? गलत, रॉन्ग है। आकांक्षा बताइए क्यों गलत है, क्या गलत है? उनका जो वो उनके चेहरे के पास है इस वजह से। अभी आप देखोगे वो नाखून काट रहा है अपना, वो नर्वस दिख रहा है। यस सर। बहुत सारे लोग जब नर्वस होते हैं तो यही चीज करते हैं, मानते हैं कि नहीं? यस सर। कभी भी इंटरव्यू में ये काम नहीं करने चाहिए हमें। ये क्या कर रहा है सर? ये इंटरव्यू वाले को ना देखकर किसी और को देख रहा है। हाँ, इसका ध्यान पैनल के सामने नहीं है, कहीं और है इनका ध्यान, ये अपनी आंखें जो है इधर उधर देख रहा है। हाँ, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें सामने जो हमारा इंटरव्यू पैनल जो है उनके तरफ देखना चाहिए, हमें उनसे अपनी जो है नजरें आई कांटेक्ट मिलाना चाहिए। हाँ, उनके तरफ देखना चाहिए, वो हमें कॉन्फिडेंस दिखाता है, इससे हमें दिखाता है ये कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। राइट और रॉन्ग? ये क्या कर रहा है, ये सही कि गलत? बताइए। हेलो, आपको दिख रहा है? यस सर। ये गलत है कि सही है सर? ये भी गलत है। क्या गलत है सर? हमें कभी भी इंटरव्यू वाले को ये नहीं कहना चाहिए कि आई डोंट नो सर, हमें नहीं पता है, बट उनको हमें कहना चाहिए कि हाँ सर, हमें ये पता नहीं बट हम इसमें कोशिश कर सकते हैं अपना। हाँ, मेरी बात सुनिए, कभी भी आपको जब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है आप ये कहने में हिचकिए मत कि मुझे नहीं पता। आप देखिए जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको जो चीज पता है वही आपको पूछ रहा है, यदि आपने उनको गलत जवाब दिया तो उनको तो पता है कि आप गलत जवाब दे रहे हो। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप बोलिए सर आई डोंट नो बट आई कैन लर्न इट, मैं ये सीख लूंगा। ठीक है? यस सर। ठीक है मानसी, ठीक, थैंक यू सर। तो आपको हमेशा ही बोलना है सर आई डोंट नो, प्रेजेंटली आई डोंट नो इट, या आई डोंट हैव, आई डोंट रिमेम्बर इट, बट आई विल सर्टेनली लर्न इट, I can certainly read the books, I can certainly contact my seniors and I'll learn it. ठीक है? ये दो चीजें दिखाता है, एक दिखाता है आपका ईमानदारी था कि आपको नहीं पता आपने एडमिट किया, दूसरा दिखाता है कि जो चीज आपको नहीं आता है वो आप सीखने के लिए तैयार हो, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ग्रेट ग्रेट। फाइनली ये क्या कर रहा है? जमाई ले रहा है। ओ गॉड, जमाई नहीं ले रहा है, हाथ जोड़ रहा है।
देवर गन्ना नोवाइल था नहीं नहीं वो गॉड भगवान को नहीं क्या होता है कई बार क्या होता है जब इंटरव्यू हम लोग ले रहे होते हैं कुछ लोग हमारे लिए हमारे सामने रोने लगते हैं गिड़गिड़ाने लगते हैं सर मेरे परिवार में कोई नहीं है मैं ही हूँ सर मुझे नौकरी चाहिए। याद रखिएगा कि यदि मान लीजिए आप में से कोई जींस पहनता है ठीक है आप जींस खरीदने जाते हैं बाजार में और आपको एक दुकानदार बोलने लगे माय बाप खरीद लो ये मेरा पैंट खरीद लो आप लोगे क्या? नो नो सर। याद रखिएगा कि जब भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जो कंपनी को जो सेटअप स्किल्स चाहिए वो वही लेंगे। मेरी बात समझिएगा कि ठीक है यदि आपकी स्किल्स में थोड़ा सा 19-20 है तो कंपनी एक मिनट को सोच सकती है लेकिन यदि इफ यू आर नॉट फिट फॉर द रोल आपको इसलिए नहीं लेगा कि आप मजबूर हैं आप परेशान हैं। मेरी बात समझिएगा ध्यान से दीजिएगा इस बात को बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग ये समझते हैं और हम हिंदुस्तानी की मानसिकता में कि हम ज्यादा बोलेंगे तो सामने वाला जो है वो रहम करेगा दया करेगा और मेरे नौकरी मिल जाएंगी। नहीं होगा ये क्योंकि जो इंटरव्यू कर रहा है उनको अपनी कंपनी को जवाबदेही देना होता है उनको उनसे काम कराना है। आपके ये कहने से कि माय बाप मुझे रख लो मैं सारा काम कर लूंगा नहीं। तो याद रखिएगा कि वहां पर गिड़गिड़ाने से आपकी इमेज नेगेटिव बनती चली जाती है ना कि पॉजिटिव। तो कभी भी सर मुझे नौकरी पर रख लीजिए मेरे घर में कोई नहीं है मुझे पैसे की जरूरत है मुझे नौकरी की जरूरत है मेरे ऊपर लोन है ये सब बोलने के बजाय आप बोलिए सर मैं सीख के आऊंगा दोबारा मुझे आप कब मौका दे सकते हैं इंटरव्यू के लिए ये बताइए। सेंस कर रहा हूं मैं एम आई मेकिंग सेंस? एम आई मेकिंग सेंस? हेलो चलिए आप लोगों का नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। चलिए अब जब भी हम इंटरव्यू वाले रूम में जाएं अपने चेहरे पे मुस्कान लेके जाएं। क्या लेके जाएं? स्माइल। Whenever you enter any interview panel, किसी भी इंटरव्यू के रूम में जाएं आप अपने चेहरे पे मुस्कान लेके जाएं। भले ही आप लड़के आ रही हैं झगड़ के आ रही हैं परेशान होके आ रही हैं आपके चेहरे पे मुस्कान आना चाहिए। यकीन रखिएगा जितनी परेशानी में आप मुस्कुराएंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आप रहेंगे। तो मुस्कुराइए उस वक्त तो और ज्यादा मुस्कुराइए। दूसरा जब भी आप मिलते हैं पहली बार इंटरव्यूअर को आज की तारीख में तो हम नहीं बोलते हैं हैंडशेक करिए कोविड के चक्कर में नमस्ते करिए लेकिन प्रोफेशनल है कि आप हैंडशेक करिए। यदि आप लेडी हैं यू कैन ऑलवेज डू ए वेरी गुड नमस्ते डिसेंट नमस्ते ठीक है। मैंने देखा है कुछ लड़के जो हमारे बहुत ही ज्यादा संस्कारी हैं वो आके पांव छूने लगते हैं। इंटरव्यू में ये काम मत करिएगा। इंटरव्यू में प्रोफेशनल सेटअप में कॉर्पोरेट सेटअप में कभी भी पांव छूने का काम मत करिएगा। हाथ मिलाइए नमस्ते करिए दैट इज मोर देन एनफ। स्माइल ओढ़ के आइए चेहरे पे जो है मुस्कान लेके आइए चेहरे पे और आपके हाव भाव से आप में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आप जिस हिसाब से बैठ रहे हैं जिस हिसाब से आप मेरी ओर देख रहे हैं जिस हिसाब से आप चारों तरफ देख रहे हैं हमारे हमसे बातें कर रहे हैं उसमें एक आत्मविश्वास एक विश्वास झलकनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है। आई कॉन्टैक्ट आप दिखाते हैं मेरी तरफ गुर्राना नहीं आई कॉन्टैक्ट का मतलब मेरी तरफ देखना गुर्राना नहीं है आपको घूरना नहीं है आपको देखना है मेरी तरफ
इंटरव्यू जो ले रहे हैं उनके तरफ देखना है और आप मुस्कुराइए, आपके चेहरे में बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखेगा। आप जिस हिसाब से बैठेंगे वो आपके चीजों को सही दिशा देगा। अब ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। हर इंटरव्यू में आप ये मान के चलिए कि आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा ये अपने बारे में बताइए। नॉर्मली लोग बोलते हैं सर माई सेल्फ या आई एम दिस एंड दिस, बस बहुत ज्यादा तो कोई बोल देगा आई हैव डन डिप्लोमा। अरे दोस्त, हमें देखना होता है कि इसमें तुम अपने आप को कितने खूबसूरती से अपने आप को डिस्क्राइब कर पाते हो। और जब आपको ये क्वेश्चन अब पता है तो आपको पहले अपने बारे में ये बना लेना चाहिए मुझे क्या बोलना है। जब मुझसे कोई इंटरव्यूअर पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपको बताने जाना चाहिए मेरे व्यक्तिगत के बारे में, मैं क्या हूँ, मेरे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरे एकेडमिक प्रोफेशनल अचीवमेंट्स क्या हैं, मैंने कॉलेज में क्या अच्छा किया था, मुझे मेरे दोस्त कैसे जानते हैं, मेरे हॉबीज क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है, मैं कैसे उसको आगे कर रहा हूँ। यकीन मानिए इसमें आप हमेशा 3 से 4 मिनट का तैयारी करके रखिए। 3-4 देखिए जल्दबाजी आपको नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी जो इंटरव्यू लेने वाला है उनको होना चाहिए। आपको तो उतना देर में इंटरव्यू ले रहा हूं उतना देर में आपको अपने आप को बेचना है। मान के चलिए आपको अपने हुनर को अपने आप को एस्टेब्लिश करना है ताकि वो आपको अपनी नौकरी पे ले ले, राइट? यस सर। मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट को जल्दबाजी होती है खत्म करने की। नहीं, जल्दबाजी आपको क्यों हो रही है? आप आराम से अपना वक्त लीजिए, अपने आप को आप आराम से बात करिए, आप अपने आप को आराम से बताइए, सर मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मेरे फैमिली में ये है, मैं यहाँ से मैंने स्कूलिंग किया, मैंने यहाँ से कॉलेज किया, मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया, मैंने यहाँ से बीटेक किया, मेरे ये अच्छे सब्जेक्ट्स थे, मैंने इसमें ये अच्छे किए, हमारे ये जो है मेरा स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, ये मेरा हॉबीज है। वीक पॉइंट मत बोलिए लेकिन स्ट्रांग पॉइंट बोल सकते हैं। सर मेरा ये स्ट्रांग पॉइंट है, मैं बहुत अच्छे से दोस्ती बना लेता हूँ, मैं अच्छे से काम कर लेता हूँ, मैं दूसरों के साथ बहुत अच्छे से मिल जाता हूँ, घुल मिल जाता हूँ, अच्छे दोस्त बना लेता हूँ, मैं फ्रेंडली हूँ, आई एम ऑलवेज अ पॉजिटिव मैन। मतलब लेकिन ऐसा बोलिएगा जिसमें फंसे नहीं। मेरे पापा यदि किसान है तो किसान है, हमारे यहाँ पे ये है सोर्स ऑफ ये है, मेरी मम्मी हाउस मेकर है तो हाउस मेकर है, यदि जॉब में है तो जॉब में है, फैमिली वैल्यूज हमारे ये है। आपको अपने आप को 3-4 मिनट में क्या बोलना है, प्रिपेयर दैट। ये क्वेश्चन यकीन मानिएगा 90% आपको या 100% आपको ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, अपने बारे में बताओ। और मैं बता रहा हूं आपको कि 70% बता ही नहीं पाते, यही क्वेश्चन नहीं बता पाते। अब यकीन मानिए आप अपने बारे में नहीं बता पा रहे हो तो मैं कैसे यकीन मानूंगा कि आप कंपनी के प्रोडक्ट, कंपनी की सर्विसेज या कोई दूसरा चीज आप बता पाओ, उतना इंटरेस्ट बता पाओ। आपकी हॉबीज क्या है, उसको कैसे पालन करते हो आप? आप बोलोगे मैं प्लांट्स लगाता हूँ, मैं गार्डनिंग करता हूँ, फ्लावर्स से प्रेम है मुझे, आपने कौन सी पेड़ लगाई है, कौन सी फ्लावर्स लगाए हैं, क्या ध्यान देते हैं आप, ये चीजें थोड़ा सा क्या होगा। देखिए इंटरव्यूज में आप यदि बैडमिंटन खेलते हैं, कब खेलते हैं, किनके साथ खेलते हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड होगा और कुछ नहीं। और उतना देर में क्या होता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो। जब आप इतना चीज बताओगे अपने बारे में, आपकी तैयारी होगी, इतना देर में आप कंफर्टेबल हो जाते हो इंटरव्यूअर के सामने, इंटरव्यू पैनल के सामने, ठीक है? ठीक है, यस सर। चलिए दूसरा, आपके 60% जो इंटरव्यू वाले जो आपसे पूछेंगे आपके रिज्यूम से ही इर्द गिर्द पूछेंगे। सपोज आप लिखते हैं, डिप्लोमा में भी आप लोग प्रोजेक्ट करते होंगे, बीटेक में भी प्रोजेक्ट करते होंगे, क्या किया तुमने? Yes, sir. आपने उसमें एक टॉपिक लिख देते हो आप कि मैंने वेस्ट मटेरियल से कंक्रीट बनाया, रिसाइकल्ड एग्रीगेट से कंक्रीट बनाया, रिसाइकल्ड कंक्रीट से कंक्रीट बनाया, रिसाइकल्ड कंक्रीट को, वेस्ट कंक्रीट को जो है डिसमेंटल कंक्रीट को यूज करके मैंने कंक्रीट बनाया, एग्रीगेट के रिप्लेसमेंट में मैंने रिसाइकल्ड कंक्रीट यूज किया, आपने वो तो लिख दिया, या प्लास्टिक वेस्टेज को आपने कंक्रीट में यूज किया, या कुछ और आप लिखते हो प्रोजेक्ट में।
या आप इंटर्नशिप में लिखते हो कि हमने गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे काम किया, आपने कहाँ काम किया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने क्या काम किया, आपने क्या सीखा वो इम्पोर्टेंट। जब भी आप इंटरव्यू देने आते हैं आप, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, या हम पूछते हैं कि आपने यहाँ पे यूपीपीडब्ल्यूडी में प्रोजेक्ट किया है, आपने बताया है हाईवे पे क्या किया है, आपको बताने आना चाहिए सर ये इतना बड़ा किलोमीटर का, पहले आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहिए, सर ये हाईवे का प्रोजेक्ट था, यहाँ से यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ये फ्लेक्सिबल बिटुमिन या फ्लेक्सिबल पेमेंट था या बिटुमिन का पेमेंट था या रिजिड कॉन्क्रीट था, रिजिड पेमेंट था, बिटुमिन था तो क्या था, कितनी चौड़ाई थी, क्या चल रहा था, क्या डल रहा था, एवरीथिंग। यदि आपने कहीं बिल्डिंग में काम किया है, बिल्डिंग में क्या मोर्टार मिक्स थे, बिल्डिंग में क्या कॉन्क्रीट थे, कॉन्क्रीट के मिक्स डिजाइन क्या थे, क्या काम किया आपने, ये सारे चीज आप बताएंगे तब समझ में आता है हमें कि हाँ प्रोजेक्ट में आपने कुछ सीखा है, आप सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रोजेक्ट में नहीं गए थे। मैंने भी इंजीनियरिंग किया है दोस्त, हम लोग ने देखा है कि जब हम 10 लोगों की ग्रुप होती है, 6 लोगों की ग्रुप होती है, 4 लोगों की ग्रुप होती है, काम करने वाले 2 होते हैं, बाकी 2 तो अपने केवल नाम से सर्टिफिकेट लेने वाले होते हैं। जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये काम करने वालों में थे या केवल सर्टिफिकेट लेने वालों में थे। तो आप यकीन करिएगा जब भी आप तैयारी करते हैं इंटरव्यू की, देखिएगा मैंने जो प्रोजेक्ट लिखा है इसमें मैंने क्या किया है, मुझे क्या बताना है, ये चीजें आप तैयारी करके आइए। तीसरा, आप जिसके पास, आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अल्ट्राटेक के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, गूगल है, एंड्रॉइड फोन है, इंटरनेट है, सर्च करिए, जो थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास आती है उतनी जानकारी लीजिए, पूरी जानकारी नहीं। उससे क्या पता चलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट में मेरा क्या काम हो सकता है, अल्ट्राटेक सीमेंट में सिविल इंजीनियर क्या करेगा। यदि अल्ट्राटेक सीमेंट मार्केटिंग से फोन आया है तो उसमें मेरा क्या रोल है, तो थोड़ा सा आपके माइंड सेटअप होगा यार ये काम है तो मुझे इस हिसाब से अपनी चीजों को इस लाइन में बतानी है, समझ गए? Yes, sir. यदि आप किसी कंसल्टेंट के लिए जॉब करने जा रहे हैं तो वहां पे ओरिएंटेशन अलग होगा, यदि आप किसी मार्केटिंग कंपनी के लिए काम करने जा रहे हैं वहां पे ओरिएंटेशन अलग होगा, यदि किसी आप क्यूसी लैब में, क्वालिटी कंट्रोल सेंटर में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो वहां पे रिक्वायरमेंट अलग होगी, यदि आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जब आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो देखेगा कि ये कितना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इसकी स्ट्रांग है, कितने कंफर्टेबल है लोगों के साथ बात करने में। जब आप मार्केटिंग में जा रहे हैं हम देखते हैं कि कितना जल्दी अपनी दोस्ती बना सकता है, कितने जल्दी लोगों से ये मिल सकता है, कितने जल्दी लोगों से बात करके फ्रेंड जोन बन सकता है। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल में जाएंगे, हम देखते हैं कि कितना टेक्निकल नॉलेज है इसके पास। बात समझिएगा, सबकी ओरिएंटेशन अलग है, तो कंपनी का जानकारी लेना इसलिए जरूरी है कि आपको पता होता कि मेरी से क्या रिक्वायरमेंट होगी वहां पे, वो जॉब की नेचर क्या है, ठीक है? कई बार आपके पास कंसल्टेंट के फोन आते हैं, कंसल्टेंट आपका इंटरव्यू अरेंज करा था, तो उनसे पूछिए कि सर ये जॉब नेचर क्या है, मैडम ये जॉब की काम क्या है, यहाँ पे कौन सी काम करने पड़ेंगे, कंपनी कैसी है, ये सब चीजें जानना जरूरी है, ठीक है? कई बार हमने देखा है लोगों को नौकरी जॉब रोल पता नहीं होता, आ जाते हैं बाद में हम जॉब रोल बताते हैं, बोलते सर मुझे तो नौकरी नहीं करनी, आपने अपना टाइम वेस्ट किया। फिर हम आते हैं अपनी स्ट्रेंथ पे, आपको अपनी ताकत पता होनी चाहिए, मेरी ताकत क्या है। हर किसी की ताकत होती है, होती है नहीं होती है? होती है। होती है। कोई अच्छे से दोस्ती बना लेता है, कोई टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होता है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में स्ट्रांग होता है, कोई पॉजिटिव सोचने वाला होता है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ बताने से नहीं होगा, उसकी एग्जांपल्स होने चाहिए। मैं बोलूंगा सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, अरे कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन कैसे, दिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कहाँ थे कॉन्फिडेंट आप? सर मैं जो भी बोलता हूँ उसको पूरा करता हूँ, मैं कमिटमेंट के लेवल पर बहुत हाई हूँ सर। बोलते हैं सर मैं पूछूंगा आपसे कि कैसे, कोई आपने काम किया जिससे आप बता सकते हो कि कमिटमेंट आपकी जो है बहुत अच्छी है और मैं मान जाऊं? आपको बोल लेना चाहिए सर हमने जब प्रोजेक्ट किया था, हमने कमिट किया था ये चीज करना है, हमें 7 तारीख को हमें अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, और हमने सर डिले थे शुरू में लेकिन हमने एंश्योर किया दिन रात मेहनत करके सारे लोगों दोस्तों के साथ मिलकर 7 तारीख को ये प्रोजेक्ट सबमिट किया।
कोई बोलता सर मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी, मैं तो बिल्कुल कोई भी काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्वालिटी में, आपके पास आना चाहिए कि कैसे, ठीक है सर मैं दोस्त अच्छे से बना लेता हूँ तो आपको बोलने आना चाहिए सर मेरे अच्छे दोस्त हैं ये, इसका ये मतलब नहीं कि फ्रेंड बुक फेसबुक पे मेरे 1000 दोस्त हैं, कितने दोस्त मेरे साथ खड़े हो सकते हैं, कितने दोस्त मेरे लिए हैं, सर मैं अच्छे से दोस्ती बना लेता हूँ, मैं अच्छा से बोलता हूँ, मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ, ये सब चीजें कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जो आपको लगता है पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव इन द सेंस क्या है कि सर मेरे नॉर्मली मेरी फैमिली में ये दिक्कतें सही है, मैं भी ये दिक्कतें सह के फिर भी मैं करता हूँ। सर मुझे अपने कॉलेज जाने के लिए मुझे हर दिन 10 किलोमीटर साइकिलिंग करनी पड़ती है, मुझे 30 किलोमीटर दूर से बस से आनी पड़ती है, लेकिन सर मैंने मेरी अटेंडेंस 80% है 90% है, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो मुझे किसको कैसे बताना है, आपको वर्क करना पड़ेगा। एक इंटरव्यू जब देने जाएंगे आप, उससे पहले यदि 4 दिन पहले आपने ये सब तैयारी की है, आपके 100 में से 60 नंबर्स तो आ ही जाएंगे, मतलब ये समझिए 60% आप इंटरव्यू क्लियर कर चुके हो। और यकीन मानिएगा ये हर इंटरव्यू के लिए यही चीज रूल अप्लाई होता है, तो बाद में आपको ये तैयारियां कम करनी पड़ेंगी। इंटरव्यू सक्सेस नॉट सक्सेस अलग चीजें हैं, लेकिन ये चीजें आपके लिए हर जगह पे काम आने वाली। लर्निंग एजिलिटी हम देखते हैं, देखिए सारी चीज हर किसी को पता नहीं है, आज कोई मेरा इंटरव्यू लेगा सारी चीज मुझे नहीं आती है, आपका इंटरव्यू हम लेंगे आपके क्या बोल रहा है, आपको बिल्डिंग मटेरियल्स अच्छे लगते हैं मैं आपको कंक्रीट पूछ दूंगा, आपको बिल्डिंग मटेरियल अच्छे लगते हैं मैं आपको मिक्स डिजाइन पूछ दूंगा, स्टील पूछ दूंगा, सारी चीजें आपको नहीं आएंगी। आपने 3-4 साल में 40-42 किताबें पढ़ी है, राइट, उससे कम तो पढ़ते नहीं है, तो सारी चीजें हमें याद नहीं आती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये कितना लर्निंग करने के लिए कितना सही है, कितना जल्दी सीखता है, कितना पढ़ता है ये, तो वो चीजें हम देखना चाहते हैं और देखते हैं इंटरव्यू में गेज करते हैं कि ये बंदा पढ़ के कर लेगा नहीं करेगा ये सारी चीजें। एक क्वेश्चन आता रिलोकेशन का, मैं तो बस्ती का हूं, मैं तो गोंडा का हूं, सर मैं गोंडा में ही नौकरी करूंगा। दोस्त मुझे नौकरी के लिए बंदे चाहिए लखनऊ में, तो मैं गोंडा तुमको क्यों लूंगा, मेरी बात समझिएगा। आज की तारीख में जॉब में एटलीस्ट वही सक्सेस है जिसकी कॉन्स्टेंट ये नहीं कि मैं यहाँ काम करूंगा वहां काम नहीं करूंगा। सरकारी नौकरी में भी तबादले होते हैं, प्राइवेट नौकरी में भी तबादले होते हैं। सरकारी नौकरी में भी आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे यही नौकरी चाहिए, प्राइवेट में भी नहीं बोल सकते मुझे यही नौकरी चाहिए। जगह जहां है नौकरी इंटरव्यू वहीं के लिए हो रही है। दूसरी हम ये देखते हैं कि कितना हद तक ये फ्लेक्सिबल है। लोकेशन कॉन्स्टेंट इसका यह भी दिखाता है कि जो आदमी बस्ती में कंफर्टेबल है वो लखनऊ में कंफर्टेबल क्यों नहीं है, कहीं कहीं प्रॉब्लम है। हम देखते ना पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ का कोई यूपी का बंदा महाराष्ट्र में जाके पढ़ के आता है, उसकी आप देखना उसकी वे ऑफ थिंकिंग वे ऑफ टॉकिंग सारे बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे कल्चर देख लिए होते हैं। जब आप मल्टीपल जगह पे रहेंगे मल्टीपल कल्चर्स को देखेंगे तो आपकी ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल बहुत ज्यादा बेहतर होती है, आपकी पीपल सॉल्विंग स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पीपल डीलिंग स्किल्स बढ़ जाती है। यदि मैं केवल यूपी में काम करूंगा तो यूपी के लोग कैसे होते हैं मुझे पता है, मैं यूपी के लोगों को अच्छे से डील कर सकता हूं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग कैसे होते हैं साउथ के लोग कैसे होते हैं ये मैं डील नहीं कर सकता। लेकिन यदि मैंने महाराष्ट्र में काम कर लिया तो मुझे पता है कि यूपी में भी ऐसे काम होते हैं महाराष्ट्र में ऐसे काम होते हैं, हर जगह काम करने के तरीके अलग होते हैं। और ये चीज आपको सिखाता है लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे काम करना। यदि आप में से किसी के पेरेंट्स ने अलग अलग जगह पे काम किया होगा उनकी सोच में देखिएगा बहुत फर्क होगा, लेकिन जो केवल आपके गाँव में रहे हैं उनकी सोच अलग होगा। हमारे गाँव में हमारे दादा परदादा जो भी होते थे वो गाँव में ही रहते थे, उनकी सोच बिल्कुल एक हद तक सीमित होती थी। हमारे पापा ताऊ चाचा अलग अलग जगह पे जाने लगे उनकी सोच फैल गए, आज हम उनसे ज्यादा जगह पे घूम रहे हैं उनसे ज्यादा हमारी सोच बढ़ी हुई है। मेरा ये कहना है कि जितनी ज्यादा आप बाहर घूमोगे जितनी ज्यादा अलग अलग जगह पे आप जाने को तैयार रहोगे आप में वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है, आप में वो एजिलिटी दिखती है, आप में वो कॉन्स्टेंट नहीं दिखता कि ये बांध के रखा हुआ है इसको कि ये काम के अलावा नहीं कर सकता, नहीं आप जा सकते हो कर सकते हो। तो ये हमेशा हम देखते हैं, हम पूछते हैं कि आपको कहीं पे डाल दे चलेगा, तो ये नहीं मैं ये नहीं हम हमारा कहने का ये मतलब नहीं कि हम आपको साउथ में डाल दें,
जब मैं अवध के लिए इंटरव्यू करता हूँ तो मैं झांसी में डाल सकता हूँ, मैं बस्ती में डाल सकता हूँ, मैं सीतापुर डाल दूंगा, मैं कानपुर डाल दूंगा, या मैं इलाहाबाद डाल दूंगा, या फिर मैं बनारस डाल दूंगा। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। तो ये मानिएगा कि आपके लिए रिलोकेशन कॉन्स्टेंट जरूरी है। मैं सबसे पहला जॉब करता था मैं किसी पहाड़ में करता था, फिर मैं आया गाजियाबाद, फिर मैं गाजियाबाद चला गया महाराष्ट्र औरंगाबाद, महाराष्ट्र के बाद फिर से मैं आ गया लखनऊ। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको घूमते रहना पड़ेगा, सीखते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सैलरी। हर कोई पढ़ते हैं तो अभी से हमारे पिताजी हमारे माताजी हमको खुद बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमारी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, हमारी तनख्वाह उतनी होनी चाहिए। सच्चाई से दूर मत रहिए। आपके आपके कितने दोस्त को क्या सैलरी मिली है? देखिए नौकरी अभी हमारे पास है नहीं, तो जब नौकरी नहीं है, आपके पास कहीं नौकरी है तब इंटरव्यू देने आए हैं, आप बोल सकते हैं कि मुझे, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हूं मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जब आप कहीं नौकरी पे हैं तब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप बोल सकते हैं सर मेरी पिछली कंपनी की तनख्वाह मेरी 25,000 है, मुझे 30% की हाइक मैं उम्मीद करता हूँ, कंपनी 20%। लेकिन आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आप बोल रहे हैं सर मुझे तो 25,000 चाहिए। एक आध लोगों को यदि प्लेसमेंट मिल गया होगा तो हो सकता है उनको जो तनख्वाह मिली हो। आपको रियलिस्टिक होना चाहिए। दूसरा, इस इन केसेस में सबसे बेस्ट होता है कि सर ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉर्म्स हैं नॉर्म्स के हिसाब से आप तनख्वाह दे सकते हैं। आमतौर पे हर कंपनी एक लेवल पे तनख्वाह फिक्स करके रखती है, इस रेंज में हम तनख्वाह देंगे। यदि कोई डिप्लोमा है फ्रेशर है तो हो सकता है इतना तनख्वाह देंगे, वही डिप्लोमा है कुछ अनुभव है तो इतना पैसा देंगे, बीटेक है इतना देंगे, बीटेक प्लस एक्सपीरियंस है तो इतना देंगे, और उसमें रेंज में होता है 1-2,000, 10% ऊपर नीचे होता है। मैंने देखा है लोग अनरियलिस्टिक होते हैं, कुछ भी बोल देंगे, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उससे पता चलता है कि आपको मार्केट की अनुभव नहीं है, आपने अपने दोस्तों से बात नहीं किया है। तो नॉर्मली आपको हमेशा से ये बात करके रखना पड़ेगा, सोच के रखना पड़ेगा कि यदि आपको नौकरी चाहिए रियलिस्टिक आज की तारीख में मार्केट रेट क्या चल रहा है। आज की तारीख में यदि कोई सिविल इंजीनियर फ्रेशर मार्केट में जा रहा है क्या चाहिए। दूसरा, आपको भी एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उस दिन आपको अनुभव चाहिए होगा। एक बार आपने किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो आपकी बार्गेनिंग नेगोशिएटिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। अभी हम आपको नौकरी नहीं देंगे तो आप फिर बिना नौकरी के हैं, लेकिन आपने यदि आज किसी दूसरे कंपनी में काम किया है और मेरे पास आए हैं, मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा तो आपके पास नौकरी है, मुझे पता है कि आपके पास नौकरी है तो आप कंफर्ट जोन में, मुझे आपको लेने के लिए कुछ ना कुछ आपसे ऑफर करना पड़ेगा। तो बी रियलिस्टिक। दूसरा, एक और चीज मैं बता रहा हूँ, कई बार लोग क्या करते हैं रिलोकेशन में भी हम पूछते हैं कि आपको कहीं भेज दे चलेगा, हम आपको ललितपुर भेजेंगे। हाँ सर बिल्कुल चलेगा, मैं चला जाऊंगा। जब हम उनका ऑफर रिलीज करते हैं तब वो रोना शुरू करते हैं, सर मैं तो ललितपुर नहीं जा पाऊंगा। याद रखिएगा आपकी ये हैबिट्स आपको कहीं लेके नहीं जाएंगी। यदि आपने कमिट कर दिया है इससे आप झूठे साबित होते हो कि मैंने बोल दिया कि सर मैं तो हाँ वहाँ कहीं, तब तो मुझे नौकरी मिली नहीं होती है। मैं बोल देता हूँ सर मुझे तो कहीं दे दीजिए मैं चला जाऊँगा। जब हम आपको ऑफर करते हैं तो आपको लगता है कि अरे मुझे तो अब नौकरी मिल गई, अब नेगोशिएट करना शुरू करते हैं, सर मुझे लखनऊ दे दीजिए, ये ऐसे है लखनऊ में सर एक ललितपुर का बंदा है उसको ललितपुर भेज दीजिए, मुझे लखनऊ भेज दीजिए। नहीं दोस्त, जिसको मैंने लखनऊ रखा है उसको लखनऊ सोच के रखा है, जिसको मैंने ललितपुर रख रहा हूँ उसको ललितपुर सोच के रख रहा हूँ। सेम के सैलरी में कोई बोलता है हाँ सर मैं तो 10,000 में काम कर लूंगा, 11,000 में काम कर लूंगा, 12,000 में काम कर लूंगा, 14,000 में काम कर लूंगा। जब हम ऑफर रिलीज करते हैं बोलते हैं सर मैं तो इतना कम तनख्वाह में काम नहीं करता। यकीन मानिएगा, बी रियलिस्टिक, बी ऑनेस्ट एंड बी कमिटेड। जो आपने बोल दिया वो बोल दिया, सलमान खान की डायलॉग, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। एक बार आपने कमिट कर दिया, यदि आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो, यदि आप टाइम पास कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं, यदि आप प्रोफेशनल बनना चाह रहे हो, यदि आप सिंसियर हो, आप इन चीजों को ध्यान में रखिए कि जो आप बोल रहे हैं सोच समझ के बोल रहे हैं। आप तभी बोल दीजिए सर इस सैलरी पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इंटरव्यू लेने वाले को परेशानी नहीं होगी। आप तभी बोल दीजिए सर मैं, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ सर, मैं बस्ती में कर लूंगा, वो ज्यादा मैं फैजाबाद तक कर लूंगा, मैं कानपुर नहीं जा सकता, मैं झांसी नहीं जा सकता, मैं बनारस जाके काम नहीं कर सकता। वेरी गुड। अभी भी आप ये बोलेंगे हाँ सर मैं चला जाऊंगा बाद में नहीं जाऊंगा, वो दिक्कत है।
फाइनल पार्ट पे आते हैं, रेफरेंस पे। रेफरेंस किसका रेफरेंस दे रहे हैं, कौन आपके लिए बोलेगा? आपके एचओडी हैं, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, आपके कोई जान पहचान में कोई बड़े, जान पहचान मतलब चाचा ताऊ पिताजी मामा नहीं, कोई और जो प्रोफेशन जान नहीं है आपके पास मत लिखिए। यदि आप फ्रेशर हैं तो कॉलेज का कोई ना कोई लिख के देगा उसका, लेकिन जब भी आप रेफरेंस देते हैं उनको बता दीजिए सर मैंने आपका नाम रेफरेंस में डाला हुआ है। यदि आपने अपने एचओडी का नाम डाला है तो उनसे पूछिए सर मैं रिज्यूम बना रहा हूँ आपका नाम अपने रेफरेंस में डालूं क्या, क्योंकि हम उनसे पूछेंगे मान लीजिए कि आप आकांक्षा को जानते हैं। अब यदि वो घूमने लगे आकांक्षा सर बताइए क्या है, तो जॉब के लिए हाँ जानते हैं, हम उनसे पूछते हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। यदि आपको अच्छे से नहीं जानते हैं तो सही नहीं बता पाएंगे, तो आप उन्हीं का रेफरेंस दीजिए जो आपके लिए सही बात बता पाए, जो आपकी क्वालिटीज को बता पाए। आपको कैसे जानते हैं, आपके एचओडी हैं, आपके टीचर हैं, आपके फैकल्टी हैं, आपने किसी जॉब किया तो आपके मैनेजर हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आप उनका रेफरेंस दीजिए ताकि वो क्रेडिबल हो, तभी आपका काम होगा। चलिए फाइनली जब भी आप इंटरव्यू खत्म करें उनको धन्यवाद करें, सर आपने हमें मौका दिया, हमें अच्छा लगा और मैं हमेशा सीखने को तैयार हूँ, मैं सीखने में विश्वास रखता हूँ और आपका तहे दिल से धन्यवाद। जब भी आप इंटरव्यू से उठें ग्रेसफुली उठें, थैंक्स करके उठें। थैंक यू। आप बताइए आप लोगों को कुछ पूछना है तो।